हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स किचन बाय संगीता। आज हम पीनट सिक्की बनाएंगे। पीनट और गुड़ के बार भी बोल सकते हैं। एक पैन गरम कर लेंगे। अभी उसमें 1 कप पीनट रोस्ट करेंगे। लो हीट में 10 मिनट्स रोस्ट करेंगे। कंटिन्यूसली स्टीयर करते रहेंगे। आप ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाएंगे तब उसके कवर अपने आप निकल जाएंगे। ऑब्जर्व कीजिए कैसे कवर निकल गया, मतलब रोस्ट पूरा हो गया। अभी पीनट के कवर खुल के क्लीन हो गए हैं। अभी 1 कप गुड़ तोड़ के ले लिए है। लो हीट में गुड़ को मेल्ट करेंगे और कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे। परफेक्टली मेल्ट हो जाए और पैन में भी स्टिक ना हो, इसीलिए हमने 1 टीस्पून देसी घी एड किया है। गुड़ को लो हीट में कंटिन्यूसली स्टीयर करना है। गुड़ अभी सॉफ्ट होने लगा है। गुड़ के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके भी मेल्ट कर सकता है, लेकिन मुझे डायरेक्ट मेल्ट करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि फिर पानी सुखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। विद इन 5 to 7 मिनट्स गुड़ मेल्ट हो जाएंगे। बहुत ही कम समय में ये चिक्की रेडी हो जाते हैं। अब वीडियो कंप्लीट देखिए, इसीलिए हमने फास्ट की है लेकिन कट नहीं की। मेल्ट होने के बाद 2-3 मिनट्स पकाना ज़रूरी है। उसके बाद गुड़ को सेक करना होगा। अभी एक बाउल में पानी लेके गुड़ को सेक करेंगे। अब प्रोसेस ऑब्जर्व कीजिए। अभी गुड़ ठंडा होने के बाद खिस रहा है, मतलब और थोड़ी देर पकाना है। और 1 मिनट के करीब पकाएंगे और फिर से चेक करेंगे। कोई कोई गुड़ बहुत ही स्टिकी होता है, वो गुड़ से बनाने में बहुत ही आसान है। फिर से चेक करेंगे। अभी गुड़ लड्डू हो गए हैं, मतलब पीनट के साथ टाइट हो जाएंगे। अभी पीनट हम डाल देंगे। ये प्रोसेस बहुत ही धीमी आंच में करना है। ये सिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी है। टाइट कंटेनर में डाल के रेफ्रिजरेटर में आप 1 महीना तक ये सिक्की स्टोर कर सकते हैं। अभी एक स्टील का प्लेट उल्टा करके ले लेंगे और घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इसी में पीनट सिक्की सेट करना है। अभी सभी चीज़ इसी में सेट करना है। एक स्पेटुला की मदद से सेट कर दीजिए। ज़्यादा गर्म होने से आप हाथ मत लगाइए। स्टील के प्लेट के ऊपर सेट करने के वही एडवांटेज है कि अगर ज़्यादा स्टिक हो जाए तो नीचे से थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, तब सिक्की आसानी से निकल जाएंगे। बेलन के ऊपर में थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेंगे, हल्के हाथों से सिक्की के ऊपर प्रेस कर देंगे, तब सिक्की स्मूथ हो जाएंगे। इसी पॉइंट में हमने सिक्की को कट लगा देंगे और रूम टेम्परेचर में सेट होने देंगे। देखिए ठंडा होने के बाद कैसे आसानी से सिक्की निकल गया है। अभी हम प्लेटिंग करेंगे। हमारा अभी डिलीशियस पीनट सिक्की रेडी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये पीनट सिक्की रेडी हो गई है। आप स्टोर करके रख दीजिए और जब भी मन करे 1 पीस निकल के एंजॉय कीजिए। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक नई रेसिपी से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए